खुश किस्मत है वो जिनको इस कैद से मिली रिहाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद अजीज साहब और पंकज उदास के गानों के बारे में। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने सभी चाहने वालों को भी अलविदा कह गए। ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ भी पंकज उदास ने गाना गाया था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो वो एक रिलीज़ गाना है और एक रिलीज़ मूवी के लिए मोहम्मद अजीज़ साहब और पंकज उदास ने ये गाना गाया था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और उस गाने को सुनाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा, स्क्रीन में जो आप लोगों को तस्वीर दिख रहा है, मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ पंकज उदास खड़े हैं। ये तस्वीर उसी रिकॉर्डिंग के दौरान का है जो गाना मोहम्मद अजीज़ साहब और पंकज उदास ने रिकॉर्ड किया था। ये तस्वीर तब ही खींची गई है दोस्तों, इसके अलावा ना तो कोई और तस्वीर आप लोगों को मोहम्मद अजीज़ साहब और पंकज उदास का मिलेगा। और इस गाने के अलावा कोई और गाना भी मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ पंकज उदास ने नहीं गाया। दोस्तों, ये एक मूवी बना था, मूवी का नाम था गोला बारूद। गोला बारूद मूवी शत्रुघ्न सिन्हा और चंगी पांडे के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। और इस मूवी के अंदर मोहम्मद अजीज़ साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा के लिए अपनी आवाज़ दिए और पंकज उदास ने अपने लिए खुद गाया था, क्योंकि जो गाना पंकज उदास गा रहे हैं वो पंकज उदास के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है। गाने के बोल हैं, याद आ गई बोली वो कहानी फिर याद आ गई। ये बहुत ही दर्द भरा गाना है दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ साहब ने क्या खूब गाया है। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग मोहम्मद अजीज़ साहब और पंकज उदास के आवाज़ में ये गाना सुनेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक नज़र मोहम्मद अजीज़ साहब के इस बहुत ही खूबसूरत गाने की तरह। सपने नीलाम हुए, क्या सपने थे, क्या दुनिया थी, माता की मूरत एक माँ जान से प्यारी थी, एक बहना उसके लिए था जिंदा रहे। दोस्तों, ये शानदार दर्द भरा गाना हम लोगों ने मोहम्मद अजीज साहब और पंकज उदास के आवाज़ में सुना। इस गाने का जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बस ये एक ही गाना है, इन दोनों सिंगरों ने एक साथ गाया है। और तस्वीर भी जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक ही तस्वीर है इन दोनों का। इसके अलावा ना तो कोई गाना है इनका और ना तो कोई तस्वीर है। और ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये शानदार गाना आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब और पंकज उदास का कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।